मैं भूमिका जाधव आपका न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आए हैं भीमसेना भीम आर्मी के पार्टी ऑफिस में और यहाँ पर सैकड़ों लोगों ने पक्ष प्रवेश किया है, तो आइए हम मिलते हैं उन लोगों से। सर, आए दिन भीमसेना भीम आर्मी पार्टी में बड़े ही तादाद से पक्ष प्रवेश हो रहे, इसके पीछे का आप क्या रस बताएंगे? ऐसा है कि जो भीमसेना भीम आर्मी पार्टी है ये बाबा साहेब के जो विचारों की पार्टी है और आए दिन हमारे जो कार्यकर्ता है जो लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, इसकी वजह से लोगों का काम हो रहा है या लोगों को न्याय मिल रहा है, इसकी वजह से लोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सर, आपकी पार्टी ना ही सत्ता में और ना ही विरोधी पक्ष में, लेकिन फिर भी लोगों का पैर बटोरने में आप सबसे आगे, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हम सत्ता में नहीं है लेकिन फिर भी हम विरोधी है, विरोधी पक्ष में भले नहीं अपने विरोधी है हम। सरकार का जो भी नीति अगर जो लोगों के खिलाफ होगी या लोगों के फेवर में नहीं होगी, लोगों के हित के नहीं होगी, तो हम उसका विरोध करते ही है, तो वो हमारा काम है, हम विरोध करते रहेंगे। भीमसेना भीम आर्मी पार्टी में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया। मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय मेहरोलिया के नेतृत्व में हुए इस मेक प्रवेश में शामिल नेता और कार्यकर्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.आर. पांड्यन गले में पार्टी का मफलर डालकर बड़ी ही खुशी से स्वागत किया। इस वक्त पांड्यन साहब ने निकिता राव को राष्ट्रीय प्रवक्ता और उत्तर भारत का प्रभारी नियुक्त किया। इस वक्त सभी नव नियुक्त नेताओं के चेहरे पर एक अलग ही उत्साह देखने मिला। मेगा प्रवेश के बाद पार्टी सरसेनापति आर.आर. पांड्यन और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष संजय मेहरोलिया दोनों ने मिलकर नए मेहमानों को पार्टी की रणनीति समझाई। आप सभी लोग आज नीतिका मैडम की वजह से यहाँ पहुँचे हैं भीमसेना प्रवेश करने भीमसेना पार्टी में, और जैसे कि हम मेरा काफ़ी दिन से नीतिका मैडम से भी जानता हूँ मैं उनको नज़दीक से कि वो काफ़ी अग्रेसिव हैं काम करने में और काफ़ी आगे भी बहुत सारे काम करना चाहती हैं। आज वो हमारे साथ हैं क्योंकि जिस पार्टी में या जिस संगठन में वो थी शायद उनको वहाँ वो आज़ादी या वो स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी जितना कि वो आप लोगों के लिए या अपने समाज के लिए या जनता के लिए काम करना चाहती हैं। लेकिन वही यहाँ पे भीमसेना में पूरा ओपन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे मैं खुद भी एज ए एक पार्टी का कार्यकर्ता करके आज काफ़ी सालों पहले मैं जुड़ा था मामूली सा कार्यकर्ता, लेकिन आज मुझे मुंबई प्रदेश अध्यक्ष हूँ तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे मतलब खाने में परोस के पटाख से मुझे मिल गया है। तो पांडे साहब ने मेरा देखा कि मैंने जब से मैं जुड़ा पार्टी में और उन लोगों ने देखा कि संघर्ष किया, मैंने इलेक्शन भी लड़ा उनके नेतृत्व में और उन्होंने सभी मेरे उतार चढ़ाव देखे और मुझे फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते रहे, तो उस तरह से देखता हूँ तो मैं कि जिस तरह से मैं जुड़ा और आज मेरा थोड़ा सा विकास हुआ है तो उसी तरह से आप लोगों का भी शायद विकास भी होगा और आपके समाज का भी विकास होगा। और पार्टी की अभी विचारधारा है कि हम लोग पूरे देश में सभी जगह लड़ेंगे और हमारे आज पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आप भी जैसे भिवंडी से आए हैं, कुछ लोग कल्याण से हैं, KDMC के इलेक्शन भी लड़ेंगे, अगर आप लोग तैयारी करेंगे मैडम के नेतृत्व में वहाँ पर जो भी कुछ कॉर्पोरेटर्स लड़ना चाहेंगे अगर इच्छा जताएंगे, मैडम अगर बोलते हैं कि भाई इनको टिकट दिया जाए क्योंकि आप लोग का तो आज पहला प्रवेश होगा, तो अगर वैसा कुछ होगा तो टिकट देने के लिए पार्टी स्वतंत्र है, टिकट जरूर दिया जाएगा आप लोग को लेकिन आपकी कार्य क्षमता देखने के बाद ही सबको डिसीजन लेंगे। तो हमारे साथ है राष्ट्र प्रवक्ता नीतिका राव मैम, तो जानते हैं वो क्या कहते हैं। जय भीम मैम। जय भीम। आपको भीमसेना और भीम आर्मी पार्टी ने और आर.आर. पांड्यन सर ने कौन सी जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं? अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता का पद उन्होंने मुझे दिया है और साथ ही उत्तर भारत प्रभारी उन्होंने मुझे बनाया है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं अपने तन मन धन से पूरे प्रयास करूंगी और बहुत ही जल्द पूरे हिंदुस्तान में पूरे भारत में हम भीमसेना का तिरंगा लहराएंगे, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। सर, भीमसेना भीम आर्मी पार्टी में ऐसी कौन सी खासियत है जिसके वजह से आपने इस पक्ष में प्रवेश लिया? भीमसेना भीम आर्मी जो पूरे हिंदुस्तान के कानून के संस्थापक है उनकी पार्टी मानी जाती है और अदर पार्टियां तो हम लोगों का नकल करके जो संविधान चलाए रहे हैं, तो हम बाबा साहब के छत्रछाया में और उनके आचरण पर जीना चाहते हैं और लोगों को आग्रह भी करते हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए कानून पर चलो और जो तोड़ेगा उसके लिए हम लोग खड़े हैं क्योंकि हम लोग बाबा साहब के भीम सेना है, न कि हम लोग शिवसेना है और ना ही हम लोग कांग्रेस की सेना है और ना ही NCP की सेना है। जिसने 1957 में संविधान पारित करके रखा है उस संविधान पे सबको चलना है, जो नहीं चलेगा उसके लिए हम लोग चलाएंगे, हम क्योंकि भीम सेना है। जय भीम, जय भारत।